तो पाँव के नीचे कुचल गई कई शह, नशे के इस झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों के नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ राशिदा और मेरे साथ है रफीक। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं ड्रग्स एडिक्शन यानी नशे की लत के बारे में। नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। ज्यादातर इसका प्रभाव किशोरावस्था में चल रहे बच्चों पर पड़ता है। किशोरावस्था में चल रहे बच्चे हर चीज को देखना, सुनना और करना चाहते हैं। जब वे अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को नशा करते हुए देखता है तो उसका भी मन उस चीज को करने को करता है। बिल्कुल सही राशिदा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आखिर नशा करने के क्या क्या कारण होता है, क्यों लोग नशा करते हैं, आइए जानते हैं। कुछ लोग अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए नशा करते हैं, जब व्यक्ति बुरी संगत में फंस जाता है। कुछ लोग अपना तनाव दूर करने के लिए इसका सेवन करते हैं। कुछ लोग बोरियत, अनिद्रा, गुस्से से बचने के लिए नशा का सेवन करते हैं। घर में माता पिता, भाई बहन से लड़ाई झगड़े का भी एक बहुत बड़ा कारण है। यह ऐसे समाज से प्रभावित जहां लोग बहुत ज्यादा मात्रा में नशा करते हैं। यही कारण है कि लोग नशा करते हैं और लोगों को कुछ समय के लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही नशे का असर खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा नशा करने का मन करता है, जिससे कि कुछ ही दिनों में लोगों पर नशे की लत लग जाती है। यह दिल, दिमाग, फेफड़े, पेट, गले और तंत्रिका तंत्र जैसे हिस्सों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचाता है। शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं होता और अंदर से व्यक्ति को बहुत ज्यादा खोखला कर देता है, जिसके वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं करता। व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भागने लगता है, लोगों के साथ सही तरह व्यवहार नहीं करता और बात नहीं करता। अब हम अपने कुछ बाल साथियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो ड्रग्स की लत के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं कश्मीरी गेट से हूँ। हमारे पूरे देश में गांव, शहर, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर लोग नशा ना करते हों। हर जगह पर कोई ना कोई लोग नशा जरूर करते हैं। नशा कई तरीके से हो सकता है और नशे के चलते हाँ, जो इन लोगों को नशे की लत लगी होती है वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जैसे कि नशे के चक्कर में चोरी करना, किसी को मारना, ये सब। अगर नशा ना मिले तो वो रह नहीं पाते एक पल के लिए। अगर उन्हें एक टाइम का भोजन ना मिले तो वो रह भी लेंगे, लेकिन नशा ना मिले तो वो नहीं रह पाते। नशा एक ऐसी बुरी लत है जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम नशा केंद्र मुक्त केंद्र की सहायता लें तो शायद हमारा नशा छूट सकता है। जैसे मेरे आसपास पड़ोस भी काफी लोग नशा करते हैं और मेरे भाई ने भी बताया कि मेरे स्कूल में बड़े लड़के सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल से भागते हैं, फिर वो स्कूल बंक करने लगते हैं धीरे धीरे और उनका काम में, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसके चलते या तो फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर स्कूल आना छोड़ देते हैं नशे के चक्कर में। इससे हमें आगे के लिए ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी बच्चे को या बड़े को हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नशा करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आगे के लिए हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम उन बच्चों के साथ रहेंगे तो हम भी नशा करना सीख जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा उनसे दूरी बनाकर रखें या उन्हें समझाएं कि नशा के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सानिया है और मैं जामा मस्जिद कॉन्टेक्ट फाइन में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नशा बहुत बुरी चीज होती है। हमारे रिलेशन में कोई लगते थे तो उनको स्मोकिंग करने की बहुत ज्यादा आदत थी। वो स्मोकिंग को छोड़ ही नहीं सकते थे, दिन में बहुत सारी स्मोक कर लेते थे। तो उन्हें करते करते आगे बहुत तकलीफ हुई, इससे उनका ऑपरेशन होने को डॉक्टर ने बोला। तो जब वो ऑपरेशन के लिए गए, उनकी घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, जैसे कि वही एक कमाने के लिए जरिया थे। तो उनकी वजह से वो तो ऑपरेशन में चले गए, ऑपरेशन में पैसे भी बहुत लगते, इनसे उनके परिवार में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया क्योंकि उनकी घर की स्थिति सही नहीं थी, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे। तो इतना नशा हमें नहीं करना चाहिए।
नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। ड्रग एडिक्शन ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमारे पूरे भारत में अपनी जड़ें फैला रही हैं। ड्रग एडिक्शन ज्यादातर आजकल बच्चों में है क्योंकि बच्चे ये सीख लेते हैं ऐसे नशे करना और अपना फ्यूचर पूरा तरह से बर्बाद कर देते हैं। बच्चे ड्रग एडिक्शन करते करते चोरी या कुछ गलत काम ही करना सीख रही है क्योंकि उन्हें ड्रग्स ये सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और परिवार वाले तो ऐसे देते नहीं है, तो इस वजह से बच्चे क्या करते हैं कि चोरी करने लगते हैं जो कि बहुत ही बुरी बात है और ड्रग्स एडिक्शन हमारे आने वाले पीढ़ी को भी बर्बाद कर सकती है। आज वीरान है आशियाने सभी, साज खामोश गुमसुम तराने सभी, हमने माना के गलती हुई है मगर हम उभरेंगे एक साथ मिलके सभी। दुनिया तो है पल भर की महिमा, सुनो कर लो खुद पे भरोसा, सुनो मोती बिखरे माला टूटे, हम कभी ना ऐसे छूटे, साथ तुम्हारा काफी है हमको। मोती बिखरे माला टूटे, हम कभी ना ऐसे छूटे, साथ तुम्हारा काफी है हमको। गम के बादल चाहे दुश्वारी हो जितनी, फिक्र करना नहीं। चाहे आंधी हो तूफान हो ना हारना, आओ मिलके करेंगे सभी सामना। कैसी कैसी मुसीबत से हम बच गए, हर दुश्मन से मैदान में भी डट गए। पूरा वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ड्रग्स एडिक्शन यानी नशे की लत के बारे में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि नशा एक कितनी घातक बीमारी है, और ज्यादा जानने के लिए हम बात करते हैं डॉक्टर विजय भैया से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन में जुड़े हैं। विजय भैया आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक नशे की लत के ऊपर है, तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन किसको कहते हैं? आजकल हमारे समाज में ड्रग्स एडिक्शन एक गंभीर समस्या है। कोई भी ड्रग्स और नशे वाली चीज को ये जानते हुए कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, उसके बावजूद भी मैं बार बार सेवन करने को ड्रग्स एडिक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग्स नशे वाली ड्रग्स का प्रकार होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं कुछ लीगल होते हैं। लीगल में जैसे अल्कोहल हो गया, इलीगल में हीरोइन, चरस, गांजा, ये सारे दवा इजी नशे वाली दवा इजी अवेलेबल होते हैं, इस चलते आदमी इसका सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। शुरू में कुछ आदमी इंजॉय के लिए नशे वाली दवा लेते हैं और धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है, जो कि बार बार फिर लेने की इच्छा होती है। कुछ आदमी और बच्चे पीयर प्रेशर या दोस्तों के प्रेशर में आके दवा और नशे वाली चीज लेना शुरू करता है और इसकी आदत हो जाती है। कुछ लोग अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ये दवा के रूप में लेती है और ये रेगुलर लेने के बाद, ओवरडोज लेने के बाद इसकी आदत हो जाती है। भैया, ड्रग्स एडिक्शन का बच्चे या व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है? ये नशे वाली दवा जब बहुत ज्यादा ओवरडोज एडिक्ट हो जाते हैं तो इसका सिम्टम आने लगता है, जो लोगों यूज करते हैं उसमें सिम्टम आने लगता है, लक्षण आने लगता है। जैसे कि बच्चों में यदि है तो उसके पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं
यदि बड़ों में है तो उसकी कुलीग को पता चल जाए कि ये नशे लेते हैं तो उसके लिए आगे फर्दर सोचेंगे। जब ये लक्षण में होता है कि बच्चे खोए खोए रहने लगते हैं या आदमी खोए खोए रहने लगता है, अकेले में रहना पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को आंखों चढ़ी और लाल होने लगती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, नशे के समय कोई भी इंजुरी होता है तो वो छुपाने की कोशिश करती है, उसको ढक के रखता है या बताने की कोशिश नहीं करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से ये कमजोर हो जाते हैं, कोई भी काम करने में इसे मन नहीं लगता है, जो उसमें एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, भूख कम लगती है जिस चलते वो खाना कम खाते हैं, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, दूसरी बीमारी होने की चांस बढ़ जाता है। अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, ठीक ढंग से नहाते नहीं हैं, कोई अपने आप को साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है तो उसको नशा छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो कहाँ जा सकते हैं इलाज के लिए? यहाँ दिल्ली या भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जैसे दिल्ली में एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राम मनोहर लोहिया, और प्राइवेट में कई सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, मुस्कान। लेकिन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो ड्रग एडिक्ट हैं एकदम से दवा ना छोड़ें, क्योंकि कोई मेडिसिन ऐसे होते हैं एकदम से छोड़ने पर उस पर विथड्रॉल सिंड्रोम होता है। विथड्रॉल सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि जो ड्रग एडिक्ट है एकदम से स्टॉप कर देता है ड्रग्स लेना, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, रेस्टलेसनेस होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, वोमिटिंग होना शुरू होता है, कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए ड्रग छुड़ाने के लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ही जाएं, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि अकॉर्डिंगली काउंसलिंग की जरूरत होती है काउंसलिंग करते हैं, जिसे मेडिसिन की जरूरत होती है तो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं और प्रॉपरली उसका केयर करते हैं, इमोशंस थेरेपी देते हैं। जब ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से आप ठीक हो जाते हैं, वहां से जब आपको घर के लिए छोड़ते हैं या आप वहां से डिस्चार्ज होते हैं, तो एक बात ध्यान देना होगा उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्त को, उनके फैमिली को, कि इनको घर आने पर उसको ज्यादा से ज्यादा समय इंगेज रखें, जो बड़े हैं उसको रोजगार के लिए, जो छोटे बच्चे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, और जहाँ इसकी आदत लगी वहाँ जाने से इसको बचाएं, इसको केयर करना होगा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से आने के बाद, क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है कि इसमें रिलैप्स रिकरेंस हो जाता है, फिर से इस तरह की परेशानी होने लगती है और एडिक्शन हो जाता है ड्रग का। बस उनको ही सलाम देते हैं, खुद से आगे जो औरों को रख पाते हैं, हम सूरज हैं अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे रफीक और राशिदा का नमस्कार। नमस्कार।